नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का बढ़ाया गया कार्यकाल 2024 तक, बने रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहीं वरुण गांधी को लेकर राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले मैं उनसे मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं अपना सकता। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने कर दिया अलर्ट, कहा राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में पैदल ना करें भारत जोड़ो यात्रा। वहीं राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले मैं आरएसएस के ऑफिस नहीं जा सकता, मेरा गला काटना पड़ेगा। वहीं दक्षिण से बजेगा चौथे मोर्चे का बिगुला, केसीआर की रैली में जाएंगे अखिलेश यादव और केजरीवाल। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले बड़े जनादेश के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी बीजेपी। वहीं विधानसभा में केजरीवाल ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले केंद्र में हमारी सरकार होगी और एलजी भी हमारा होगा। वहीं एक वोट से बीजेपी ने जीत लिया चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल के बहिष्कार का मिला फायदा। वहीं गुलाम नबी आजाद को लगा एक और बड़ा झटका, पार्टी के 30 नेता कांग्रेस में होंगे शामिल। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, जेपी नड्डा का बढ़ाया गया कार्यकाल, 2024 तक बने रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यह आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की घोषणा कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे यकीन है कि मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में बीजेपी 2024 में और भी बड़े बहुमत से जीतेगी और एक बार फिर मोदी जी देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में करेंगे। अगली बड़ी खबर, वरुण गांधी को लेकर राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले मैं उनसे मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं अपना सकता। यह आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब के होशियारपुर में पत्रकारों से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उनसे कई सवाल किए गए। एक सवाल वरुण गांधी की कांग्रेस पार्टी में एंट्री को लेकर भी पूछा गया। इस पर राहुल गांधी ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी ने आरएसएस की विचारधारा को अपनाया है, मैं उनसे मिल सकता हूं, गले भी लग सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं अपना सकता। उन्होंने कहा कि वो आरएसएस के दफ्तर में नहीं जा सकते, फिर चाहे उनका गला क्यों ना काट दिया जाए। वरुण गांधी ने उसी विचारधारा को अपनाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने वरुण गांधी को फिरोज कहकर भी संबोधित किया और कहा कि उन्होंने आरएसएस की तारीफ की थी, इसीलिए उनकी और मेरी विचारधारा काफी अलग है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके परिवार की एक विचारधारा है, वरुण गांधी ने दूसरी विचारधारा को अपनाया है और वो उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकते। जब वरुण गांधी को परिवार में लाने पर सवाल किया गया तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वो अलग रिश्ते होते हैं, वो इससे पहले भी वरुण गांधी के पार्टी में शामिल होने को लेकर बयान दे चुके हैं कि ऐसे सवाल पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से किए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश स्थित पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी इन दिनों बीजेपी को काफी कड़े तेवर दिखा रहे हैं। कुछ दिनों से उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें अब और ज्यादा तेज हो गई हैं। पिछले 2 साल से वो अपनी ही सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, इससे ये तो साफ है कि उनका अपनी सरकार से अब मन उठ चुका है। अगली बड़ी खबर, सुरक्षा एजेंसियों ने किया अलर्ट, कहा राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में पैदल ना करें भारत जोड़ो यात्रा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब के बाद अब जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के साथ प्रवेश करने वाले हैं। वो यहां 19 जनवरी को प्रवेश करेंगे। श्रीनगर इस यात्रा का अंतिम पड़ाव भी है। उनकी सुरक्षा को लेकर एजेंसियों ने अहम बैठक की। दरअसल उनकी सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी चिंता उनकी घाटी में होने वाली पैदल यात्रा है। दरअसल यात्रा घाटी के कुछ ऐसे रास्तों से गुजरेगी जहां पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ उनकी पुख्ता सुरक्षा कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ करेगी। सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी के इनर घेरे में सिर्फ उनके जाने पहचाने लोगों को ही शामिल करने की सलाह दी है। इसके साथ ही कश्मीर में कुछ जगहों पर पैदल यात्रा ना करने की भी सलाह दी गई है। घाटी में यात्रा के दौरान कुछ जगहों पर गाड़ी से ही चलने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल ने बताया कि राहुल गांधी यात्रा को लेकर 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे। यहां पर लखनपुर में फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी महबूबा मुफ्ती, सीपीएम नेता यूसुफ तारेगामी और शिवसेना नेता संजय राउत उनका स्वागत करेंगे। श्रीनगर में 30 जनवरी को एक विशाल रैली के साथ यात्रा का समापन होगा। यात्रा जम्मू के लखनपुर से होते हुए कठुआ, हीरानगर, बनिहाल टनल होते हुए कश्मीर घाटी तक जाएगी।
अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले 1% लोगों के पास है देश की 40% संपत्ति। ये आपको बता दें कि पंजाब के होशियारपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि देश के 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। उन्होंने कहा कि देश में 21 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय पंजाब के होशियारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले किया जाना था, लेकिन यात्रा में कांग्रेस सांसद संतोष सिंह की मौत के बाद इसे टाल दिया गया था। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरक्षा में चूक की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कौन सी सुरक्षा में चूक हुई थी, वो मुझे गले लगाने आया था और अति उत्साहित था, इसे सुरक्षा में चूक नहीं कहेंगे, यात्रा में ऐसा होता रहता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत की सभी संस्थाओं को आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल किया है, सभी संस्थाओं पर उनका दबाव है, चुनाव आयोग, नौकरशाही, न्यायपालिका पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई भारत की संस्थाओं और विपक्ष के बीच है। अगली बड़ी खबर, दक्षिण से बजेगा चौथे मोर्चे का बिगुला। आज केसीआर की रैली में जाएंगे अखिलेश यादव और केजरीवाल। ये आपको बता दें कि दक्षिण में चौथे मोर्चे का बिगुल बजाने की तैयारी तेज हो गई है। तेलंगाना में भारत राष्ट्रीय समिति आज एक जनसभा का आयोजन कर रही है। इस जनसभा में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा शामिल होंगे। इस जनसभा को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। असल में यह तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा अपना नाम बदलकर बीआरएस करने के बाद पहली जनसभा है। साथ ही इसमें विभिन्न विपक्षी दलों बीआरएस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के नेता एक साथ दिखाई देंगे। इसको चौथा मोर्चा कहने के पीछे भी खास वजह है। गौरतलब है कि पहले मोर्चे के रूप में भाजपा को देखा जाता है, वहीं दूसरा मोर्चा कांग्रेस और तीसरे मोर्चे के तौर पर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को देखा जाता रहा है। ऐसे में इन तीनों से ही दूरी बनाकर सीआर ने चौथा मोर्चा बनाने के साफ संकेत दे दिए हैं। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले बड़े जनादेश के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा की जमकर तारीफ की और कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में पूरे संगठन ने एक साथ एकजुट होकर काम किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी साल 2019 से भी बड़ा जनादेश लेकर आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी साल 2019 से बड़े जनादेश के साथ साल 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतेगी। अगली बड़ी खबर, विधानसभा में केजरीवाल ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले केंद्र में भी हमारी सरकार होगी और एलजी भी हमारा होगा। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल विधानसभा में एक बार फिर एलजी वी के सक्सेना पर जमकर बसे। शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोकने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब की मानसिकता है कि उनके बच्चों को तो अच्छी शिक्षा मिले लेकिन गरीबों के बच्चों को नहीं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि कल को केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार हो सकती है और उनका ही एलजी होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस की किसी की भी सरकार हो सकती है, तब उनका एलजी दूसरी सरकार के कामकाज को नहीं रोकेगा। केजरीवाल ने कहा कि किसी की सरकार स्थायी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि कल उनकी सरकार केंद्र में भी हो सकती है और भाजपा की दिल्ली में हो सकती है। उन्होंने कहा कि समय बड़ा बलवान होता है, कुछ भी स्थायी नहीं, इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है। कोई यदि सोचे कि मेरी सरकार बन गई, मेरी सरकार ही रहेगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। केजरीवाल ने भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की केंद्र में सरकार होगी और तब एलजी भी हमारा होगा। अगली बड़ी खबर, एक वोट से बीजेपी ने जीत लिया चंडीगढ़ मेयर का चुनाव। कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल के बहिष्कार का मिला फायदा। ये आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया है। बीजेपी ने 15 सीटें जीतकर मेयर की पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी के अनूप गुप्ता अब चंडीगढ़ के नए मेयर बन गए हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 14 वोट मिले। दरअसल चंडीगढ़ में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के ही पास में 14-14 पार्षद हैं, लेकिन भाजपा के पक्ष में चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का एक वोट भी गया। कांग्रेस के 6 और श्रोमणी अकाली दल के 1 पार्षद ने इस चुनाव से दूरी बना ली थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। बीजेपी ने अपने पार्षदों को हिमाचल में शिफ्ट कर दिया था। अनूप गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह को महज 1 वोट के अंतर से हरा दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 29 वोट पड़े, इसमें से अनूप गुप्ता को 15 वोट मिले, जबकि जसबीर सिंह लाड़ी ने 14 वोट हासिल किए। बता दें कि पिछली बार मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने
कब्जा किया था। आपको बता दें कि बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर ली है। महज एक वोट के अंतर से चुनाव जीतकर बीजेपी के अनु गुप्ता अब चंडीगढ़ के नए मेयर बन गए हैं। और ये बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद को लगा एक और बड़ा झटका, पार्टी के 30 संस्थापक सदस्य कांग्रेस में होंगे शामिल। ये आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद की अगुवाई वाली डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। पार्टी के महासचिव निजामुद्दीन खटाना और इसके 3 दर्जन से अधिक संस्थापक सदस्य कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। डीएपी को ये बड़ा झटका ऐसे समय में लग रहा है जब मंगलवार को अपनी नई पार्टी के पंजीकरण को लेकर गुलाम नबी आजाद के चुनाव आयोग से मिलने की संभावना थी। डीएपी के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से एक्सप्रेस ने कहा कि गुलाम नबी आजाद को चुनाव आयोग ने मंगलवार को बुलाया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नाम अभी तक पार्टी के लोगों ने ही दिया है और इस पर चुनाव आयोग की मोहर लगना बाकी है। जो नेता आजाद की डीएपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं उनमें पार्टी महासचिव निजामुद्दीन खटाना बेहद प्रमुख है। कश्मीर के कोकेरनाग से संबंध रखने वाले खटाना 2 बार MLC रहे हैं। पिछले साल सितंबर में ही उन्होंने PDP छोड़कर आजाद की पार्टी का दामन थामा था। वहीं PDP-BJP गठबंधन सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा रखने वाले उनके बेटे चौधरी गुलजार खटाना भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से बोला बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला, बोले दोनों को है हरे रंग से परेशानी। ये आपको बता दें कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस को हरे रंग से दिक्कत है, वो इस रंग से नफरत करते हैं। बीजेपी और आरएसएस को लगता है कि हरा रंग मुसलमानों का है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि ओवैसी तो हर रंग में रंग जाने वाला है। ओवैसी ने आगे कहा कि कर्नाटक के गुलमर्ग में स्टेशन के बाहर हरे रंग को हटा दिया गया, मैसूर में एक बस स्टैंड के पास में गुंबद नुमा चीज थी उसे भी हटा दिया गया। ओवैसी ने आगे कहा कि ये लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बिना नोटिस दिए घरों को तोड़ देते हैं। रमजान के महीने में दिल्ली में घर तोड़ दिए गए, ये काम बीजेपी और आरएसएस कर रही है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि चाकू तेज करके रखो, कभी त्रिशूल बांटने की बात करते हैं। खुल्लम खुल्ला बातें होने के बाद भी सांसद साध्वी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इनको हरे रंग से दिक्कत है, बीजेपी और आरएसएस को लगता है कि हरा रंग मुसलमानों का है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी के 5 विधायकों को कर दिया सस्पेंड। ये आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बच्चों की शिक्षा और टीचर्स की ट्रेनिंग में LGV सक्सेना के कथित अवैध हस्तक्षेप के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का विरोध करने के बाद भाजपा के 5 विधायकों को मंगलवार को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। गोयल के निर्देश पर भाजपा विधायक अजय महावरा, जितेंद्र महाजन, ओपी शर्मा, अभय वर्मा और अनिल वाजपेयी को सदन से बाहर कर दिया गया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश करते हुए आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने बजट का 1/4 हिस्सा शिक्षा के लिए रखा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के बजट को 10 गुना बढ़ा दिया है, जिससे राजधानी की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आया है। आतिशी ने कहा, फिनलैंड में शिक्षकों को ट्रेनिंग से रोकने का LG का आदेश अवैध है, वो एक संवैधानिक पद पर हैं और भाजपा के एजेंट नहीं हैं। उनके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी बीजेपी पर और LG पर हमलावर हो गई है। अगली बड़ी खबर, RSS के विश्लेषक संगीत रागी का बड़ा ऐलान, बोले राहुल गांधी का मतलब है एंटरटेनमेंट, उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के खुद को मार देने वाले बयान को लेकर लगातार राजनीति जारी है। राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए RSS के विश्लेषक संगीत रागी ने उन पर निशाना साधा है। संगीत रागी ने कहा कि राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है, राहुल गांधी का मतलब ही एंटरटेनमेंट है। संगीत रागी ने एक निजी चैनल पर चर्चा के दौरान बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी का एक मतलब है एंटरटेनमेंट। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का मतलब एंटरटेनमेंट है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर बोले सचिन पायलट, पार्टी आलाकमान लेगा फैसला। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत में एक बार फिर कड़वाहट सामने आ गई है। सचिन पायलट ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला पार्टी आलाकमान को करना है। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड पर कार्रवाई करने की मांग की। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सचिन पायलट के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक
आर्थिक मामले में कार्रवाई हो रही है। सचिन पायलट ने कहा कि मैं हमेशा राजस्थान में शासन से संबंधित मुद्दे उठाता रहूंगा। अगर पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड फरार हैं तो उन्हें भी पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की ज्यादातर जनसंख्या नौजवान है। हम सबको राजस्थान की सरकार को उनकी फिक्र है। मैं ये चाहता हूं कि नौजवानों की आशा बरकरार रहे। ऊपर बैठे लोगों पर भी जांच पहुंचे। सरकार ने कार्रवाई की है, जांच चल रही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने कहा कि हम राजस्थान में सरकार बनाते हैं लेकिन 5 साल में सरकार चली जाती है, लेकिन इस बार हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। सभी कांग्रेसी नेताओं को मिलकर साथ आना चाहिए। जनता के बीच में पहुंचना होगा तो फिर हम सरकार बनाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जल्द चुनाव होने हैं। अगर पार्टी के सभी नेता साथ काम करें तो हम राजस्थान में फिर से सरकार बना लेंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं को दी बड़ी सलाह। बोले मोदी आएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, ये अप्रोच ठीक नहीं है। ये आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ। मंगलवार को बैठक के दूसरे और अंतिम दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को चुनाव जीतने का फॉर्मूला देते हुए अति आत्मविश्वासी होने से बचने की सलाह दी। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम नरेंद्र मोदी के संविधान के बारे में मीडिया को जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि अति आत्मविश्वासी होने से चुनाव हार जाते हैं, इसीलिए अति आत्मविश्वास में रहने की जरूरत नहीं है। मोदी आएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, ये अप्रोच ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि तय करो कि हर दिन अलग अलग जगह जाकर लोगों से मिलोगे, जैसे एक दिन चर्च, एक दिन यूनिवर्सिटी में या फिर किसी अन्य स्थान पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें समाज के सभी अंगों से जुड़ना है और उसे जोड़ना है। केवल वोट की चिंता ना करें, हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई हमें वोट देता है या नहीं देता, इससे ज्यादा जरूरी है कि सबसे जुड़ना और सबको जोड़ना जरूरी है। हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से काम होता है। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि आज का भाषण किसी नेता नहीं बल्कि एक स्टेट्समैन का भाषण था, जिसमें पार्टी के ऊपर देश आता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि जो संकल्प करता है वही इतिहास रचता है। अगली बड़ी खबर, देश में पड़ रही कड़ाके की ठंड, जानिए अपने शहर का मौसम। ये आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति की उम्मीद है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चल सकती है। उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में हवा की दिशा में बदलाव और पश्चिमी विक्षोभ के करीब आने के कारण अब तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवर्तन लाएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।